नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वाइटाइगो मतलब कि सी चकराना, जिसे हम आमतौर पर बोलते हैं सी चकराना। आप कभी ना कभी किसी के ना किसी के मुंह से जरूर सुना होगा, अपने मम्मी या डैडी या दादा या दादी के मुंह से जरूर सुना होगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, बाबू जाकर दवा लेते आओ या भैया जाकर दवा लेते आओ, जो भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग सुना होगा कि हमें चक्कर आ रहा है, मतलब कि हमारा सर घूम रहा है, आप जाकर मेडिकल से या डॉक्टर के पास से दवा ले लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि चक्कर क्या होता है, मतलब कि चक्कर क्यों होता है और इसका होने का कारण क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें कौन सी दवा दी जाती है, डॉक्टर द्वारा किया गया ट्रीटमेंट कौन सा होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि देखिए इसमें मैं बताया हूँ कि चक्कर के बारे में, मतलब कि वाइटाइगो की हर एक छोटी सी छोटी बातें इस वीडियो में बताया हूँ, जो आपको जानना बहुत आवश्यक। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको चक्कर के बारे में, मतलब कि वाइटाइगो के बारे में फुल डिटेल्स के बारे में आपको पता चल जाएगा और आप आसानी से समझ जाएंगे कि चक्कर क्यों आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये चक्कर आना एक बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी का लक्षण होती है। तो अब मैं ये बता दूं क्या होता है। तो देखिए इसमें व्यक्तियों को चलते वक्त चक्कर आना, मतलब कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते वक्त उस व्यक्तियों को चक्कर आता है, उस व्यक्तियों को उठने और बैठने में चक्कर आता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ उस व्यक्तियों को उठने और बैठने तथा सोने और लेटने उठने बैठने में सभी प्रकार में उस व्यक्तियों को चक्कर आता है, और उस व्यक्तियों को चारों मतलब कि हर एक वस्तु घूमती नजर आती है। और वह कभी कभी तो देखा गया कि उस व्यक्ति को किसी डंडे के सहारे या किसी दीवार के सहारे उठती है, जिसके कारण उन्हें भी चक्कर आता है। तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, चक्कर एक घातक होती है जो कि एक बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये जब तक हमारे शरीर में रहता है तब तक हमें बहुत परेशान करता है। और मैं ये बता दूं कि इसका कारण क्या होता है, मतलब कि चक्कर हमें क्यों आता है, तो इसका कारण जान लेते हैं। तो देखिए इसका कारण होता है कि अगर किसी को पुरानी चोट हो, ठीक, अगर किसी को सर में पुरानी चोट होती है उसके कारण हो सकती है, तथा साथ ही साथ माइग्रेन, अगर किसी को माइग्रेन होता है उसके कारण हमें चक्कर आ सकती है। और साथ साथ देखा गया है कि देर रात तक जो लोग जगते हैं उन्हें भी चक्कर आता है। बता दूं कि इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को टेंशन रहता है उसके कारण भी चक्कर आता है, टेंशन के कारण भी चक्कर आता है, और हाई बीपी हो जाता है उसके कारण भी चक्कर आता है, और लो बीपी के कारण भी हमें चक्कर आता है। इसके अलावा शुगर, जब शुगर लेवल कम हो जाती है उसके कारण भी चक्कर आता है, और ज्यादा हो जाती है उसके कारण भी हमें चक्कर आता है, और जो व्यक्ति ज्यादा शराब मतलब कि ज्यादा एल्कोहल पीते हैं उन्हें भी चक्कर आता है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी चक्कर आता है जो मेडिसिन के लत लग चुकी है, मतलब कि कोई ड्रग्स करते हैं मेडिसिन वाला, जो नशेड़ी यूज करते हैं उन्हें भी चक्कर आता है। और मैं ये बता दूं महिलाओं में जो मानसिक धर्म की गड़बड़ी के कारण चक्कर आती है, मतलब कि महिला में किसी प्रकार की मानसिक धर्म जो कि डेट होती है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है उन्हें उस कारण भी चक्कर आता है। इसके साथ ही साथ उसमें कुछ लक्षण और दिखाई देते हैं, चक्कर आते हैं उसके उसमें उस व्यक्ति को उल्टी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, साथ ही साथ उसे सिर दर्द भी हो सकता है, और साथ ही साथ कान में टन टन की आवाज सुनाई देती है जिसे हम घंटी बजना कहते हैं, ये भी हो सकता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको वाइटाइगो के बारे में फुल डिटेल्स के मालूम चल जाएगा और आप जान जाएंगे कि चक्कर में कौन सा ट्रीटमेंट करें। तो हमारे वीडियो पर बने रहिए। और मैं ये बता दूं इसका ट्रीटमेंट, जब हम डॉक्टर के साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब द्वारा किया गया ट्रीटमेंट कौन सा होता है, तो देखिए उसमें डॉक्टर साहब सबसे पहले सिनेराइजिन टेबलेट देते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका फार्मूला है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका ब्रांड नेम आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये बीटा हिस्टामिन देते हैं, ये 16 mg और तथा 8 mg में आता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी हमारे चक्कर में काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसके अलावा स्टेमटिन MD का तो आप नाम सुना होगा और इसे सब कोई जानता होगा, स्टेमटिन MD जो कि गांव में सबसे अधिक बिकता है, स्टेमटिन MD। अगर किसी को चक्कर आता है तो उसमें डॉक्टर साहब ज्यादा देते हैं तो स्टेमटिन MD देते हैं। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक दवा दे सकते हैं, जैसे कि सिनेराइजिन और बीटा हिस्टामिन और स्टेमटिन MD, इन तीनों में से कोई भी एक दवा आप दे सकते हैं,
चाहिए, जब जरूरत हो तब दिया जा सकता है, SOS दिया जाता है, मतलब कि जब जरूरत हो तब उस व्यक्ति को दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आता है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना ध्यान रखिए कि इस तीनों में से कोई भी एक दवा दी जाती है, ये तीनों चक्कर के लिए आती है, मतलब कि ये चक्कर को कम करती है। और इसके अलावा अगर ये काम नहीं करता है तो उसमें क्या करते हैं, देखिए उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि स्टेमटिल के नाम से आता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंजेक्शन उस व्यक्ति को लगाया जाता है जिस व्यक्ति को इस गोली से आराम नहीं मिलता है, तब इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, और लगाने से उस व्यक्ति को आराम मिल जाता है और वह ठीक हो जाता है। ये लगभग 5 दिन तक लगाया जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी की वजह से चक्कर आता है तो उस लुकाइन गोल्ड या नीरोकाइन NF लगाया जाता है उस व्यक्ति को जिसे चक्कर आता है। ये दोनों लगाया जाता है एक साथ लगाया जाता है, ठीक एक मतलब कि 1 घंटे के गैप में लगाया जाता है, मतलब कि स्टेमटिल भी लगाया जाता है और नीरोकाइंड भी लगाया जाता है, ठीक 1 घंटे की गैप में लगाया जाता है, ठीक। तो उस व्यक्ति को लगाते हैं तो काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको भरपूर नॉलेज मिला होगा। अगर मेरे वीडियो से आपको नॉलेज मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ है, मस्त है। हाँ, डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।